गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मौर्या, कलेक्टर कॉलोनी म्यूनिसिपल सेकेंडरी हिंदी स्कूल से आज आप लोगों को साइंस 2 का 15 चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। 15वां पार्ट जो है वो है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं। इस पार्ट के कुछ पॉइंट्स जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। वनस्पतियों में परिवहन उत्सर्जन किस प्रकार होता है, इसके घटक जो है वनस्पति और प्राणी, इसमें जो घटक है वनस्पति का परिवहन उत्सर्जन और समन्वय, प्राणियों में उत्सर्जन और समन्वय इस पाठ में दिए गए हैं, जिसमें से हम सिर्फ आज परिवहन और उत्सर्जन ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिवहन होता क्या है और यह जरूरी क्यों है। सभी सजीवों में जो भी हम पोषण के लिए चीजें पदार्थ खाते हैं उसका परिवहन होता है, हमारे शरीर के सभी भागों में वो पहुंचाए जाते हैं, अवशोषित होते हैं और पहुंचाए जाते हैं। ये पहुंचाए जाने वाली जो क्रिया होती है वो विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा की जाती है और उसका एक जाल होता है, एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये कार्य होता है। वनस्पतियों में विशेष प्रकार के अंग नहीं होते परिवहन के लिए, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसकी जो परिभाषा है, वह क्रिया जिसमें एक भाग में संश्लेषित या अवशोषित पदार्थ दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है, इसे हम परिवहन कहते हैं। वनस्पतियां अपनी जड़ों द्वारा लवण, पानी इत्यादि अवशोषित करती हैं और पौधे के अन्य भाग जैसे तना, पत्ती, फूल, फल आदि तक पहुंचाती हैं। परिवहन होने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, जल और पत्तियों में तैयार होने वाला भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च इत्यादि पदार्थों का परिवहन वनस्पतियों में होता है। ये परिवहन करने वाले जो अंग होते हैं उन्हें हम संवहनी ऊतक कहते हैं, जैसे जलवाहिनी और रसवाहिनी। इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था वनस्पतियों में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, सरल, जटिल इत्यादि। तो उसमें से जो जटिल प्रकार के ऊतक है वो है जलवाहिनी और रसवाहिनी। जलवाहिनी और रसवाहिनियों में अलग अलग प्रकार के ऊतक मिलकर एक संस्थान बनाते हैं जो जल परिवहन या फिर रस परिवहन का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वनस्पतियों में जल का परिवहन कैसे होता है। यह दो प्रकार से होता है, मूलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वनस्पतियों में जल का वहन होता है। वनस्पतियों में अन्न व अन्य पदार्थों का वहन किस प्रकार होता है यह हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मूली दाब के द्वारा। प्राणियों में हलचल होता है और उनमें जटिल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं परिवहन के लिए, लेकिन वनस्पतियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सरल प्रक्रिया द्वारा परिवहन होता है जल का। शुरुआत करने से पहले हम इस वीडियो में देखेंगे छोटे से प्रयोग में कि जड़ें किस प्रकार अवशोषण करती हैं पानी और लवण का। ध्यान से देखिए इस प्रयोग को। प्रयोग का उद्देश्य है कि जड़ें किस प्रकार पानी से लवण और पानी को अवशोषित करके जड़ों द्वारा अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। इसके लिए हमें क्या देखना है, कुछ जो साहित्य लेने हैं उस पर ध्यान देते हैं। दो पौधे, दो ग्लास इओसिन और एक ड्रॉपर की आवश्यकता है। इन दो पौधों के कांच के ग्लास में हमें डालना है। दोनों पौधों को जड़ के साथ हमें इस्तेमाल करना है। कांच के ग्लास में पानी भरकर हम इन दोनों पौधों को इनमें डाल देंगे। एक ग्लास में इओसिन के कुछ ड्रॉप डाल देंगे जिससे उसका पानी कलरफुल हो जाएगा। अब हम इन दोनों पौधों को 2 से 3 घंटों के लिए
रख देंगे और उसके बाद हम इन पौधों का निरीक्षण करेंगे। दोनों में जो भी अंतर होगा उसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि पौधों में जल का परिवहन हुआ है जड़ों के माध्यम से। दोनों पौधों का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण करने के पश्चात हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए जिस ग्लास में हमने इओसिन ऐड किया था उस ग्लास का जो पौधा है उसकी पत्तियां भी रेड हो गई हैं और जिसमें हमने इओसिन ऐड नहीं किया था वो उस पौधा जो है ग्रीन कलर का ही है, उसमें कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। इससे यह स्पष्ट होता है कि जड़ों द्वारा अवशोषण किया जाता है मिट्टी से जल और अन्य लवणों का और अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। इसे हम मूलीय दाब कहते हैं। मूलीय दाब जो है वो सांद्रता के अंतर के कारण होता है। इसे हम और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इस प्रकार से जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, मूलीय दाब द्वारा जल का वहन। जड़ें मिट्टी से पानी अवशोषित करती हैं और ये जो अवशोषित किया हुआ पानी है जड़ों में दो मार्गों द्वारा प्रवेश करता है। इन दोनों मार्गों को हम सिंप्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। सिंप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, पानी व खनिज सीधे कोशिका में प्रवेश करके जल वाहिनी तक पहुंचाए जाते हैं। एपोप्लास्टिक पाथवे में पानी व खनिज कोशिका भित्ति के मार्ग से जड़ों में प्रवेश करके जल वाहिनियों तक जाते हैं। यहाँ पर आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा रेड और ब्लू कलर के एरो दिखाए गए हैं। जो ब्लू कलर का एरो है वो सीधे कोशिका में प्रवेश करते हुए जल वाहिनी तक पहुंच रहा है और जो रेड वाला है वो कोशिका भित्ति के मार्ग से जल वाहिनी तक पहुंच रहा है। इसका हम वीडियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये प्रवेश कर रहा है। एपोप्लास्टिक पाथवे में कोशिका भित्ति के मार्ग से पानी अवशोषित होकर जल वाहिनी तक पहुंच रहा है और सिंप्लास्टिक पाथवे में सीधे कोशिका में प्रवेश करके पानी जल वाहिनी तक पहुंच रहा है। ये किस कारण हुआ है, सांद्रता में अंतर के कारण। जड़ों के बाहर का जो क्षेत्र है वो निम्न सांद्रता क्षेत्र है और जड़ों के अंदर उच्च सांद्रता क्षेत्र है जिससे दोनों सांद्रताओं में अंतर का निर्माण हुआ है। इस सांद्रता को मिटाने के लिए जो पानी होता है वो जड़ों में प्रवेश कर जाता है और परासरण की क्रिया द्वारा यह पानी जड़ों में प्रवेश होकर वनस्पति के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जल के परिवहन की प्रक्रिया कैसी होती है इसे देखते हैं एक बार फिर से। जड़ों की कोशिकाएं जमीन के पानी और खनिज के संपर्क में रहती हैं। जड़ों के अंदर और बाहर सांद्रता का अंतर होता है, पहले स्लाइड में हमने इसे देखा है। इसीलिए सांद्रता का अंतर मिटाने के लिए पानी व खनिज जड़ों में प्रवेश करते हैं। जड़ों में भी ये दो मार्गों द्वारा प्रवेश करते हैं, सीधे कोशिका में जिसे हम सिंप्लास्टिक पाथवे कहते हैं और कोशिका भित्ति के मार्ग से जिसे हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। इसके कारण प्रत्येक सटी हुई कोशिकाओं पर दाब का निर्माण होता है और इसे ही हम मूलीय दाब कहते हैं। सांद्रता का अंतर मिटाने के लिए पानी व खनिज निरंतर आगे जल वाहिनियों तक धकेल दिए जाते हैं और इस प्रकार पानी का स्तंभ तैयार होता है। यह दाब झाड़ियों, छोटी वनस्पतियों तथा छोटे वृक्षों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। इस दूसरे वीडियो में हम और डिटेल में देख सकते हैं कि जड़ें किस प्रकार पानी का अवशोषण करती हैं। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपको इजीली समझ में आएगा कि मूलीय दाब द्वारा किस प्रकार जड़ें पानी और खनिज का अवशोषण करके अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। मिट्टी में जड़ें अंदर तक गई होती हैं,
जड़ों का हम निरीक्षण करते हैं। जड़ों के अनुप्रस्थ काट में हम देख सकते हैं कि पानी किस प्रकार से जड़ों में प्रवेश करता है। हमें पता है ये दो मार्गों द्वारा प्रवेश करता है और जलवाहिनी तक पहुंचता है। ये दो मार्ग जो है वो है एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे। ये जो पानी अवशोषित किया गया है और जलवाहिनी तक पहुंचा है, जलवाहिनियां पानी का स्तंभ तैयार करती हैं और इससे प्रत्येक सटी हुई कोशिकाओं में दाब का निर्माण होता है और पानी ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है और इस प्रकार वनस्पति के सभी भागों को पानी उपलब्ध हो पाता है। मूली दाब हमने डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का अर्थ होता है वाष्प का उत्सर्जन। वनस्पतियां वाष्प का उत्सर्जन करती हैं। ये जो वाष्प है गैसीय अवस्था में है, ये कैसे बन रहा है और किस प्रकार ये वनस्पतियों से बाहर निकाला जा रहा है और ऐसी क्रिया होते समय पानी का परिवहन हो रहा है। वनस्पतियां पत्तियों पर उपस्थित पर्णरंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन करती हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जड़ों द्वारा जो पानी अवशोषित हो रहा है वो पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जिसे हम पर्णरंध्र कहते हैं की सहायता से वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण एक पुल का निर्माण होता है। ऊपर से वाष्पीकरण हो रहा है और नीचे से अवशोषण हो रहा है। यदि वाष्पीकरण ना हो तो अवशोषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि यदि पौधे में पानी समुचित मात्रा में उपस्थित हो तो सांद्रता का निर्माण नहीं होता। दोनों सांद्रताएं यदि बराबर हो, जड़ों के बाहर की सांद्रता और जड़ों के अंदर की सांद्रता यदि समान हो तो पानी का अवशोषण नहीं होगा। ये सांद्रता जब अनबैलेंस्ड होती है तभी ही पानी का अवशोषण होता है। पर्णरंध्र कैसे होते हैं? ये दो बाह्य आवरण युक्त कोशिकाओं की बनी होती है जिसे हम रक्षक कोशिका कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसी हो रही है? देखिए, वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पर्णरंध्रों द्वारा पानी वातावरण में उत्सर्जित होता है। इसके कारण पत्तियों की बाहरी त्वचा में पानी की मात्रा कम हो जाती है। पानी के इस अनुपात को सही रखने के लिए जलवाहिनियों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के इस अनुपात को सही रखने के लिए जलवाहिनियों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। वाष्पोच्छ्वास की क्रिया द्वारा पानी व खनिज को अवशोषित करने तथा सभी भागों में पहुंचाने में मदद होती है तथा मूली दाब के परिणाम स्वरूप रात के समय पानी की ऊपर चढ़ने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे पत्तियों पर जो छोटे छोटे पर्ण रंध्र होते हैं उनके खुलने और बंद होने के कारण, जब वो खुलती है तो वाष्प के रूप में पानी उत्सर्जित हो जाता है। पानी का उत्सर्जन रात के समय नहीं होता। देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। दिन के समय पर्णरंध्र जो है वो खुलते हैं और उनसे पानी का उत्सर्जन होता है। दो रक्षक कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं पर्णरंध्र, और जब ये खुलते हैं तो वाष्प का उत्सर्जन होता है। पत्तियों में पर्णरंध्र ऊपर की तरफ कम होते हैं और नीचे की तरफ अधिक पाए जाते हैं।
वनस्पतियों में जो खाली स्थान होता है पत्तियों में, वहां पर ये जल जो है संचयित होता है और पर्णरंध्रों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। पानी के अंदर जो वनस्पतियां उपस्थित होती हैं उनमें पर्णरंध्र नहीं पाए जाते क्योंकि वहां पर उन्हें उत्सर्जन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों मेथड को पढ़ लिया है, मूलीय दाब द्वारा पानी का परिवहन किस प्रकार होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। ओक नामक वनस्पति एक वर्ष में अपनी पत्तियों द्वारा 151,000 लीटर पानी उत्सर्जित करती है। इसको रेन ट्री भी कहा जाता है। एक एकड़ क्षेत्र में उगाई गई मक्के की फसल दिन में 11,400 से 15,100 लीटर पानी का उत्सर्जन करती है। इसीलिए मक्के की जो फसल होती है उसे बहुत अधिक पानी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पानी अवशोषित किया जाता है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस से उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब हम इसे नॉर्मल कंडीशन में भी फील कर सकते हैं। जिस पौधे जिस वनस्पति के आसपास का वातावरण माहौल हमें ठंडा लगे, बहुत ज्यादा ठंडा लगे, तो इससे हमें समझ आना चाहिए कि इस वनस्पति में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ही तेजी से हो रही है जिसके कारण आसपास का वातावरण काफी ठंडा हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वनस्पतियों में अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। इसके पहले हमने पढ़ा कि पानी का परिवहन किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, वनस्पतियों में जो भोज्य पदार्थ तैयार होते हैं पत्तियों में हरित लवक की सहायता से, जैसे स्टार्च वगैरह हो गए, तो ये पौधे वृद्धि करते हैं, उनका आकार बढ़ते रहता है, उन्हें भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये जो भोज्य पदार्थ वनस्पतियों में बन रहे हैं वो अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं, कलियों तक। कलियों को हम देखते हैं कि ये दिन के समय सुबह सुबह 5 या 6 बजे अगर हम किसी कली को देखते हैं, गुड़हल के फूल की कली को, तो वो बंद रहती है, लेकिन जैसे ही धूप पड़ता है वो बड़ी सी खिल जाती है। तो ये जो प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई है इसका किस कारण हुई है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन अधिक मात्रा में पहुंचाया गया जिससे फूल कली से फूल बनने में सहायता प्राप्त होती है। ये किस प्रक्रिया द्वारा होती है, कौन से ऊतक यहाँ पर कार्य करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। रसवाहिनी यह कार्य करती है। पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ तैयार होते हैं वो रसवाहिनियों की सहायता से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाई जाती है। जल का परिवहन एक ही दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन रसवाहिनियों में जो अन्न का परिवहन होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में भी होता है। इसीलिए यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। जल के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सांद्रता के द्वारा ये कार्य हो जाता है, परंतु वनस्पतियों में अन्न के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि यह दो दिशाओं में होती है। इस वीडियो में हम देख पाएंगे कि रसवाहिनियां किस प्रकार अन्न का परिवहन करती है दोनों दिशाओं में। पत्तियों में तैयार भोजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अमीनो अम्ल को छोड़कर अतिरिक्त भोजन जड़ों, फलों, बीजों में संग्रहित होता है। इस क्रिया को पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। इस क्रिया में रसवाहिनियों द्वारा ऊपर व नीचे की दिशा में परिवहन किया जाता है, अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा हमें एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी की मदद से जब हम अन्य द्रव्य का वहन होता है तब परासरण की क्रिया द्वारा पानी कोशिकाओं में प्रवेश करती है। फलस्वरूप अन्य द्रव्य व पानी से भरी कोशिका की दीवारों पर दाब बढ़ता है और सटी हुई कम दाब वाली कोशिका में अन्य द्रव्य भेज दिए जाते हैं और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है जिसके कारण वनस्पति के सभी भागों को अन्न प्राप्त होता है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वनस्पतियों की पत्तियों में जो
भोजन तैयार होता है वो कहाँ कहाँ पर संचय किया जाता है? जड़ों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में भोज्य पदार्थ का संचय कर दिया जाता है। रसवाहिनियों की सहायता से संचयित किया हुआ भोजन सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, मतलब अन्न का जो परिवहन है वो रसवाहिनियों द्वारा किया जाता है। अमीनो अम्ल को छोड़कर बाकी सभी चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। रसवाहिनियों की का जो स्ट्रक्चर है वो दो तीन प्रकार चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। रसवाहिनियों में सीव ट्यूब पाए जाते हैं, छिद्र युक्त प्लेट्स पाए जाते हैं जो छनन का कार्य करते हैं। सहायक कोशिकाओं की मदद ली जाती है भोज्य पदार्थ के परिवहन के लिए। पत्तियों द्वारा तैयार किया हुआ भोजन रसवाहिनी की कोशिका में संग्रहित कर दी जाती है। जलवाहिनियों द्वारा लाया हुआ जल भी इस कोशिका में पराशरण की क्रिया द्वारा प्रवेश करती है। देख सकते हैं कि एक कोशिका में अन्न द्रव्य का संचय हो रहा है और जलवाहिनियों द्वारा लाया हुआ जल भी धीरे धीरे इसी कोशिका में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इसको यह कोशिका पूरी तरह से भर जाती है और उससे सटी हुई जो कोशिका होती है उसकी दीवारों पर दाब का निर्माण होता है और इस दाब के कारण अन्य द्रव्य और जल से भरी हुई कोशिका का जो पदार्थ है, द्रव्य है, वो सटी हुई कोशिका में भेज दिया जाता है। उच्च दाब के कारण सटी हुई कोशिका में अन्य द्रव्य भेज दिया जाता है और यह प्रक्रिया दोनों दिशाओं में होती है और निरंतर चलती रहती है, जिसके कारण वनस्पति के सभी भागों को भोजन प्राप्त होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि वनस्पतियों में परिवहन, अन्न व जल का परिवहन कैसे होता है और कौन सी कोशिकाएं, कौन से ऊतक यह कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वनस्पतियों में उत्सर्जन। जैसे प्राणियों में उत्सर्जन होता है, उसी प्रकार वनस्पतियों में भी उत्सर्जन का कार्य होता है। फर्क इतना है कि इनमें कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होते। प्राणियों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन संस्थान होता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही सरल प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। उत्सर्जन आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो अवांछित पदार्थ है, अगर अधिक समय तक वनस्पति के तनों में, जड़ों में रह जाए तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इसका उत्सर्जन जरूरी है। अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वनस्पतियों में प्राणियों की तरह उत्सर्जन अंग नहीं होते, इसीलिए इनमें सरल प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन वनस्पतियों की जड़ों, पत्तियों और जीर्ण जलवाहिनियों की सहायता से की जाती है। उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों की रिक्तिकाओं, फूल, फल व तने की छालों में संग्रहित किए जाते हैं और कुछ समय पश्चात ये अंग झड़ जाते हैं। वनस्पतियों की पत्तियों को हम देखते हैं, वो पीली पड़ जाती हैं और कुछ समय के बाद वो झड़ जाती हैं। वो पीली इसलिए हो गई क्योंकि उसमें उत्सर्जित पदार्थ संग्रहित कर दिया गया है और वो झड़ जाती है। बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनमें छाले निकलती हैं। ये छाले क्यों निकलते हैं? क्योंकि जीर्ण जलवाहिनियों में उत्सर्जित पदार्थ संग्रहित कर दिया जाता है, जिसके कारण छाल का निर्माण होता है और ये छाल वनस्पति से कुछ दिनों में अलग हो जाता है।
इस वीडियो में हम देखेंगे कि वनस्पतियां कौन कौन से भागों द्वारा उत्सर्जन करती हैं, कौन कौन से भाग जो है अवांछित पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं। गैसीय अवांछित पदार्थ जो होते हैं वो पर्ण रंध्रों द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। पत्तियों में उपस्थित पर्ण रंध्रों द्वारा गैसीय उत्सर्जित पदार्थ, गैसीय रूप में जो अवांछित पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। और वनस्पतियों की पत्तियों में जो अवांछित पदार्थ स्टोर किए जाते हैं जिसके कारण पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। जीर्ण जलवायु में राल, गोंद इत्यादि के रूप में उत्सर्जित पदार्थ का संचय कर दिया जाता है। कुछ वनस्पतियों को की पत्तियों को तोड़ने पर हम देखते हैं कि दुधिया पदार्थ निकलता है जिसे हम रबर कहते हैं, वो भी उत्सर्जित पदार्थ है। जड़ों द्वारा भी उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। मतलब वनस्पतियों का हर एक भाग उत्सर्जन क्रिया में भाग लेता है। जल, जड़, पत्तियां, तने, यहाँ पर सुई के आकार के कुछ स्फटिक दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। अरुई के पत्ते, प्याज की बाहरी त्वचा, हमारे शरीर में जब हम उसे छूते हैं तो खुजली जैसी फीलिंग होती है, ये सब अपशिष्ट पदार्थों के कारण होता है। वनस्पतियों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उपयोगी होते हैं, जैसे नीलगिरी के पत्तों से तेल निकालना या फिर चंदन का तेल निकालना, चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल करना परफ्यूमरी के लिए, रबर से हम रबर के दस्ताने बना सकते हैं, गोंद व राल हम औषधि के उपयोग में लाते हैं मेडिसिनल पर्पस, और अगरबत्तियों में इसका उपयोग किया जाता है, इत्यादि वनस्पतियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का हम उपयोग कर सकते हैं। वनस्पतियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ देखो, राल, गोंद, तेल, रबर, रेफाइड्स, नीलगिरी के पत्तों से हम तेल बना सकते हैं, उसके मेडिसिनल यूजेस होते हैं, चंदन का भी तेल बनाते हैं, और बीजों से तो तेल निकाला जाता है ये हम सभी जानते हैं, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, कैस्टर ऑयल, मैकेडेमिया ऑयल, राइस ब्रेन ऑयल, ऐसे ढेर सारे बीजों से तेल निकाला जाता है जिसका हम उपयोग करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। यहाँ पर हम दोनों घटकों को कंप्लीट कर ले रहे हैं, वनस्पतियों में परिवहन और उत्सर्जन। यहाँ पर स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछिए, आपको अगर कोई डाउट हो तो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। मानवीय शरीर में रासायनिक तंत्र कैसे होता है? क्या क्या क्वेश्चन नहीं समझ आया? मानव शरीर, हाँ, मानव शरीर में रासायनिक तंत्र कैसे होता है? रासायनिक तंत्र, ये तो दूसरा टॉपिक पूछ रहे हो। आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो, और उसका जो क्लास ये है रासायनिक नियंत्रण के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ, रासायनिक नियंत्रण जो होता है प्राणियों में, मनुष्यों में कुछ विशेष प्रकार के सब्सटेंसेस द्वारा किया जाता है, और एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां संप्रेरकों का निर्माण करती है, और इस संप्रेरकों द्वारा रासायनिक नियंत्रण किया जाता है। ये क्वेश्चन दूसरे घटक का है, दूसरे टॉपिक का है। और वो टॉपिक जब मैं तो आप समन्वय आज अच्छा बताओ हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ पॉइंट्स बताइए, हेडिंग बताइए, आज हमने क्या पढ़ा है, आज का घटक कौन सा था?
अनुशंसिता और अरे सॉरी तो दूसरे मेनू टॉप। हाँ वही तो आप दूसरे घटक के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर मैं दे सकती हूँ, लेकिन आज के घटक के क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वनस्पतियों में किस प्रकार समन्वय होता है? वनस्पतियों में समन्वय देखो बहुत सारी गतिविधियों द्वारा उनमें समन्वय किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने और इसके पहले जो क्लास लिया है वो सारी वो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, वनस्पतियों में समन्वय किस प्रकार किया जाता है। आज का ये टॉपिक नहीं है, आपने स्टार्टिंग से अटेंड किया मैंने क्या पढ़ाया है तो आज की क्वेश्चन पूछिए आप। हेलो हेलो मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वनस्पतियों में अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन की प्रक्रिया लिखो। हाँ तो वनस्पतियों में अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन रस वाहिनियों के माध्यम से होता है। इसका वीडियो भी हमने देखा कि कैसे रस वाहिनियां अन्य पदार्थों का परिवहन करती हैं। ठीक है, रस वाहिनियों में जो अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन होता है वो दो दिशाओं में होता है। इसकी प्रक्रिया लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि वनस्पतियों में जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है वो रस वाहिनियों की कोशिका में इकट्ठा कर दिया जाता है, जल वाहिनियों द्वारा लाया हुआ जल भी उसी कोशिका में भर दिया जाता है, जिसके कारण उस कोशिका में उच्च दाब का निर्माण होता है और इस कारण उस कोशिका से सटी हुई कोशिका में भोज्य पदार्थ व अन्य को धकेल दिया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में यह प्रक्रिया होती है और अन्न व जल जो है वो सभी कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है और वनस्पति के सभी भागों को भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। वनस्पतिक उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखो और उनके उपयोग बताओ। हाँ अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि वनस्पतियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो है राल, गोंद, तेल, रबर व ग्रेफाइट्स। ठीक है, राल और गोंद का इस्तेमाल हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, मेडिसिन के रूप में करते हैं, तेल भी हम इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिनल यूजेस भी है और खाना पकाने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। रबर से हम क्या बना सकते हैं, रबर के बारे में तो सबको पता ही है, उससे दस्ताने वगैरह बनाए जाते हैं और रबर की अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो टीचर, वनस्पतियों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है? वनस्पतियों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि वनस्पतियों में उत्सर्जित पदार्थ वनस्पतियों के विभिन्न भागों में संचय कर दिया जाता है। जो गैसी पदार्थ होते हैं वो पत्तियों में उपस्थित पर्ण रंध्रों द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है और कुछ उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो पत्तियों में इकट्ठा कर दिए जाते हैं और पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं। जड़ों द्वारा भी उत्सर्जन किया जाता है, मिट्टी में ये उत्सर्जन वे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हेलो टीचर। हाँ बोलो टीचर। वनस्पतियों में अन्यों का परिवहन की प्रक्रिया लिखो। यस टीचर। ओके, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वनस्पतियों की पत्तियों में व अन्य भागों में हरित लवक की सहायता से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनता है वह रस वाहिनी की कोशिका में भेज दिया जाता है। रस वाहिनियां जो होती हैं वो जल वाहिनियों के साथ ही होती हैं, जिसके कारण जल वाहिनियों से लाया हुआ जल भी उसी कोशिका में भेज दिया जाता है और उस कोशिका में उच्च दाब का निर्माण होता है क्योंकि उसमें भोज्य पदार्थ और पानी दोनों भी समुचित रूप से भर जाते हैं, जिसके कारण उससे सटी हुई कोशिका में एक दाब का निर्माण होता है
और इस दाब के कारण भोज्य पदार्थ व अन्य दूसरी कोशिका में भेज दिए जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। यस टीचर, थैंक यू। ओके। वनस्पतियों में मूल्य दाब द्वारा जल का परिवहन कैसे होता है, स्पष्ट करो। वनस्पतियों में जड़ों द्वारा पानी, जल का और लवण का अवशोषण होता है और जो जड़ों के बाहर का जो क्षेत्र होता है वो कम सांद्रता वाला क्षेत्र होता है और जड़ों के अंदर उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र होता है, जिसके कारण बाहर से पानी जड़ों में प्रवेश करता है और जो ये पानी प्रवेश करता है जड़ों में, ये दो मार्गों द्वारा प्रवेश करता है, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे द्वारा, और यह जल वाहिनियों तक लाया जाता है और यह प्रक्रिया चलते रहती है, जिसके कारण जल वाहिनियों में पानी भर जाता है और एक स्तंभ का निर्माण होता है और इस स्तंभ के निर्माण होने के कारण जल जो है ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। छोटी वनस्पतियों और छोटी झाड़ियों में मूली दाब द्वारा बहुत ही आसानी से जल का परिवहन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम। यस, टीचर। हाँ बोलो टीचर। वनस्पतियां सब में होती है क्या? क्या वनस्पतियां क्या होती है? टीचर वनस्पतियां सब में पाई जाती है। वनस्पतियां सब? अच्छा, वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे होते हैं? हाँ टीचर, सब में पाई जाती है वो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, जैसे सजीव होते हैं प्राणी और वनस्पति, सजीवों का वर्गीकरण तो पढ़ा होगा, ठीक है, एक कोशी बहुकोशी, बाद में जो है वनस्पति और प्राणी, तो जो वनस्पतियां होती हैं, तुम ऐसे क्वेश्चन पूछो कि वनस्पतियों में जलवाहिनियां और रसवाहिनियां सभी वनस्पतियों में पाई जाती है, तो मैं आंसर करूंगी हाँ, सभी वनस्पतियों में जलवाहिनियां और रसवाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है, वनस्पतियां सभी में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन गलत है। वनस्पति ओके, तो सभी वनस्पतियों में जलवाहिनियां और रसवाहिनियां पाई जाती हैं, जिसके कारण वे जल का और अन्य पदार्थों का परिवहन हो पाता है और वनस्पतियां वृद्धि कर पाती हैं। देखते हैं ना, एक जो छोटा पौधा अंकुर होता है वो 10-15 दिनों में काफी बड़ा हो जाता है, छोटे से बीज से बहुत बड़ा वृक्ष तैयार होता है, तो ये वृक्ष कैसे तैयार हो रहा है? यस टीचर, थैंक यू टीचर। इसके पहले वाले क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि कितने प्रकार की कोशिकाएं होती, जो विभाजी ऊतक होते हैं, विभाजी की ऊतकों द्वारा जो है वनस्पतियों की वृद्धि होती है और इस वृद्धि के लिए उनको पोषण की आवश्यकता है, तो ये पोषण इन्हें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जलवाहिनियों और रसवाहिनियों के माध्यम से सभी कोशिकाओं को पोषण प्राप्त होता है। ओके, आज हम लोगों ने 15वें पाठ के एक छोटे से घटक के बारे में स्टडी किया है, वनस्पतियों में परिवहन और उत्सर्जन। यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ, धन्यवाद।